ठीक कर लो अपना अपना चरित्र। तो मित्रों स्वागत है आप सभी का बच में, विदाउट सबसे खतरनाक वाले गेम प्ले में। तो मैं चरित्र इसलिए ठीक करने कह रहा हूँ क्योंकि यार रनिंग बैठ रही थी ऊपर से, यार हमारी लॉबी पर रईस लॉबी लग गई, तो हमारी लॉबी रईस है तो मतलब हम भी रईस हो गए हैं, तो आज से हम भी थोड़ा सा घमंड करेंगे। और तुम्हारे भाई ने अपना ड्राइवर भी रख लिया है, गाड़ी में है, बैठा है। हम गेट खोल भाई, गेट खोल भाई, मुझे भी बैठा ले, वो गदरोड़ी के सारे हमको भी बैठाओ भाई, साला ओनर को ही बाहर फेंक दिया भाई बैठ। ये साला मंगनी की गाड़ी भाई ऐसी कभी भी चली जाती है यार, मंगनी की चंदन घिस रघुनंदन वाला हिसाब है। फिलहाल भाई साहब देखो अभी तुम्हारा भाई जा रहा है जगरपुर सिटी, और अभी हम खेले रेंडम टीममेट के साथ, और रेंडम में भाई साहब मिल गए हमको दो सब्सक्राइबर जो कि हमारे नाम से तो पहले कंफ्यूज थे कि हाँ हमारी लॉबी में भला ये जेवल किसे आ सकता है, और कंफ्यूज तो थे ही पहले से, और तुम्हारे भाई ने ऊपर से और गुड़ घोल दिया, और अब ये दोनों भाई साहब आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि एक्चुअली ये है तो है कौन। खैर गाइस बाद में तुम्हारे भाई ने प्रूफ दे दिया है कि हाँ भाई मैं लड़का हूँ, और यार लड़कों से लड़का सहनी नहीं करना चाहिए। फिलहाल हमारे ऊपर देखो तो तीन लौंडे दिख रहे हैं हमको, हम जाएंगे पहले लूटने। यार इतनी दूर मैं आया था, मैं सपने सजा के आया था, मैं कहा भाई चल के आराम से लूटेंगे, फिर आराम से गाड़ी ले जाके फिर मारेंगे या मर जाएंगे जो भी होगा देखेंगे, लेकिन लगता है वो चीज अभी आराम से नहीं होने वाली है। और ये जो लौंडे आए हैं हमारे पास में, हमको लग भी नहीं रहा ये साले कुछ आराम से करने की उम्मीद में है। अगर इनको आराम से कुछ करने का अगर दिलासा होती तो ये साले हमारे पास में बगल में न उतरते, कुछ दूर पे जाके उतरते। और या तो एक रीजन ये भी हो सकता है कि ये लोग बहुत ज्यादा प्रो है, ओवर रेटेड कॉन्फिडेंस है इनका कि हमको मिलके ये लोग मार ही देंगे। अच्छा अगर इतना ही कॉन्फिडेंस है, इतने प्रो हो तो साले कहीं हॉट ड्रॉप पे चले जाते, हमारी मैयत निकालने की क्या जरूरत थी।